पहले तुम एक बात बताओ, पहले तुम ये जनता द्वारा चुने गए जनता के नौकर क्या कह रहे हैं? सरकार सब तो हम तो बोलो ही मतलब, इस देश की जनता द्वारा चुने गए जनता के नौकर क्या कह रहे हैं तुमसे ये बताओ हमें। जनता के नौकर ये कह रहे हैं कि किसान बहुत अच्छे हैं, किसानों को मजबूत करेंगे, नई टेक्नोलॉजी देंगे हम उनको। 2000 के माल 800 में बेच के मजबूत कर रहे हैं, तो 8000 करोड़ रुपए गन्ना के किसान को बकाया यूपी को, बाकी भारत की तो बात अलग है। चीनी दो आने इन्होंने दिए नहीं, मजबूत कहां से कर रहे हैं भैया? तो क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इनका काम ही कहा है? कोई झूठ का फॉर्मूला बना रहे होंगे बैठ के, इनका काम कुछ ना है भाई सिवा झूठ बोलने के। मोदी जी तो 5 घंटे सोते हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं है। अब मैं कहां रहा हूं 1 घंटा सो में, ये तुम्हें पता होगी, वो ही बताते हैं। हाँ तो वो बता रहे, अब वो जब आता ने सब बता में सब में तो विश्वास हम करेंगे ना, इतना इतने मेहनत जब 7 साल से आप विश्वास कर रहे तो 2 साल और कर लो, 2022 में तो आए दोगुनी हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी 2022 में? क्योंकि सरकार की ज्यादातर परियोजनाएं 2022 में। यार एक बात बताओ, 7 साल में चौथाई तो इन्होंने कर दी हमारी, आए अब आने वाले 2 साल में चौथाई भी साफ चवन्नी भी साफ, तुम कह रहे हो दुगुनी की बात, काय में दुगुनी कर देंगे भाई? अडानी अम्बानी पहले से बताओ कि कानून है 100 आरो है, उन्होंने अपनी जगह खरीद ली 500-500, 4-4 सौ बीघे, और जिनके ऊपर ला दो उन्हें बताओ ही ना कैसो कानून है। वो तो कह रहे हैं हमने तो राय ली है। किससे ले ही रहा है, किससे ले ही रहा है उन्होंने? बड़े बड़े जो कृषि एक्सपर्ट है। कहाँ है कृषि एक्सपर्ट, किससे राय ली? तुम भी मिले उनसे 2-4 घंटे, तुम भी 2-4 घंटे उनसे मिले कृषि एक्सपर्ट उनसे? सरकार कह रही है हम तो ना, सरकार कुछ कह रही थी, सरकार से क्या मतलब है कि सरकार कह रही है? तुम हमारी बात भी वहां पहुंचाओ जाके, हमें 19 रह गए यहाँ, के किसान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे किसान ही ना, वो तो वो नेता ना है, बोलो जाके उनसे, तुमने कही है 1 बार, मैं 10 बार कह चुका तुम ये बात। हाँ हम पूछ रहे हैं सरकार से, किसान सड़कों पर पड़े हुए क्या कर रहे हो? कि थोड़े बहुत किसान है चले जाएंगे, उनके नेता तो ऐसे बोलो। तो इनते तो ज्यादा ही है हम। एक मंत्री तो ये भी कह रहा है कि चाइना से पैसा आ रहा है इनका, उसके ऊपर युवा मंत्री है, गिरफ्तार क्यों ना करते भाई? बातें पहले ये तो पूछ लेंगे, चाइना में रिश्तेदारी बाकी, कोई ननसार ही, कोई ससुराल ही, क्या बीमारी? बातें भाई गिरफ्तार करे वहां पे पूछे, आगे की बात तो जब चलेगी। रास्ता क्या निकलेगा था अब? इन्हें वापिस लेने पड़ेंगे, और तीनों कागज इन्हें लिया है रद्दी के साथ टोकरी में कह रहे हैं उन्हें पहले। सरकार तो नहीं करेगी ऐसा, तो हम करवा लेंगे, तुम कष्ट मत करो। यार हमारा काम है, हम अपने आप करवा लेंगे। तो आपकी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सेना है भाई, तू आसानी से जाने वाली नहीं है, इन्हें समझाओ जाके। बीबीसी लंदन ने बेताज बादशाह बोली, बिना ताज के बादशाह। और बाबा तो देखो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये सब बेताज बादशाह गिनो अब कितनी, बाबा की देखो कितनी कितनी बड़ी फौज है। अच्छा अंकल जी, जो सरकार के कारिंदे हैं, नुमाइंदे, वो कहते हैं कि किसान नहीं है तो कोट पेंट में आते हैं, पिज्जा खाते हैं, कभी कभी भाई पहुंच जाए शाम वाली दुकान पे। कौन कह रहे हैं? कौन मंत्री बीजेपी के? अच्छा अच्छा, तो कोट पेंट पहनने पे कोई धारा लगेगी? कोई संविधान में है सो विकल्प पेंट पहनने बारे में कोई मुकदमा लिखा जाएगा? है भैया ये नंगे डोलन लगे, इनसे कहो एक कानून ऐसो भी बना दे किसान नंगे डोलन लगे। वो कह रहे हैं किसान तो खेत में काम कर रहा है। कौन सो किसान खेत में है? नेता भी आदेश में डूब के पड़े, ये भी फर्जी बैठे हैं ऊपर। जिनको आपने वोट दिया था आखिर वो क्यों नहीं आ रहे आपके लिए आगे? वो आगे क्यों झूठिया कहीं आ गया? अबे आपने वोट तो उनको दिया था। अरे जी और कायदे बने हमारी वोट उनसे बने, और कहां जाए इन पर वोट? कुछ लोग कहते ईवीएम से बन जाते हैं। नहीं वो तो आगे की बात है, देखेंगे हम जब ईवीएम तो बनने शुरू होंगे, छीन के अपने घर में धर लेंगे। एक बात बताइए, जिस प्रकार आंदोलन चल रहा है, क्या ये आंदोलन दबाव बना पा रहा सरकार पर? दबाव बना पा रहा हो या तो उनसे पूछो जाके, उनकी नमज को नहीं पा रही है। तुम दबाव की बात कर रहे हो, उनकी नमज को नहीं पा रही है भैया, दम लिख रहे पड़े। तो फिर वो सुन क्यों नहीं रहे? सुनेंगे, अब वो यहाँ चक्कर में सरमाएदार की सुने क्या इनकी सुने? उतने सरमाएदार चोभा मार रहे हैं, इतने हम गोला लाठी लगाने को बैठे हैं इनकी। अब बेचारे परेशान क्या करें? ऐसा तो नहीं कि आंदोलन बेनतीजा होता जा रहा? कौन को आंदोलन बेनतीजा, कहाँ से खबर आ तुम पे? बेनतीजा क्या मतलब है भाई? खबर तो ये भी चल रही है कि गौतम बुद्ध नगर का रोड खोल दिया किसानों ने। कौन से ने?
तो वो बीजेपी के ने वो तोड़ताक लिए होंगे, वो यही काम करे यार। कांग्रेस के तोड़ के सरकार बना ली उनने मध्य प्रदेश में, वो तोड़ा बोगी करते रहे, पर कितने सब तोड़े टूट रहे हैं उनपे, दो चार ने बहका लेंगे। अपने नेताओं पर विश्वास है तुम्हें? किसे? अरे हमारे नेता विश्वास है हमें, और क्या, हमें अपने नेता विश्वास ना, तो पागल घूम रहे हैं हम यहाँ। ना हम डरेंगे, ना धमकेंगे, और ना हम टूटेंगे, ना हमें कोई खरीद सके। नाराज तुम मा दिया सीकर के लाते हो, ढूंढ डाल के कहाँ से लिया हो ऐसे फॉर्मूला ने सरकार से? हाँ यार अंकल जी, नए नए माल खा रहे हो, नए नए पिज्जा खा रहे हो, तो ये वो कह रहे हैं कि नए नए माल नए नए पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा ना खा रहे, बथुआ की रोटी रस की खीर खा रहे और चाय पी रहे, पिज्जा खा में ये इनके उगर सुगर रह रही होंगी, इनके हाथ में खराब है, हमारे तो सही है। मोदी जी अंबानी के पोते को देखने के लिए सप्ताह चले जाते हैं, किसानों के बीच नहीं आ रही है। भैया जब दाम अंबानी देगा तो घनश्याम के पोते देखेंगे वो भाई, वही तो दाम दे रहे हैं उन्हें, और कहा है रो सरमाएदा तो आप ही दे रहे हो ना दाम को दब। अरे तो अपना दंगे यार, गुनाह कर दियो देखे कैसे फांसी की सजा होगी अब हमें, वोट दे रही तो अरे दे दी कहा है वो, चलो कोई बात ना, तो अब 3 साल जेल ही लो ना, 3 साल ही तो काय को जेल ले, 3 साल गोला रख के तैयार है ये सरकार कह रही तुम पे, 3 साल जेल ले। नहीं जब आप कह रहे हो नहीं, दे दिया तो वो वोट तो दे दियो, वो तो बात खत्म करो। सरकार ये कह रही है 3 साल और झेलेंगे ऐसे ही। हाँ है नहीं, सरकार नहीं करी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। नहीं तुम आपने 7 साल उनको अब तक झेला है, तो और झेल लो 3 साल। सरकार में जुम्मा 8 दिन ना झेल ले, हम जाके बता दी हूँ 8 दिन ना झेल ले, उनकी नबज कोहनी पे आ रही है, जाके देखो यार। वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वो कुछ कर रहे सही, याद है क्या मतलब है, काम अगे डो रहे हैं वो, सारे काम कर रहे हैं, नींद उन्हें आ रही ना, लेन नहीं देनी, उचारे परेशान है, पूछो दिख रहे। लेकिन कल जो परसों कार्यक्रम हुआ फिरके का, प्रधानमंत्री ने कानून की तारीफ ही तारीफ करी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम किसानों के पास। भाई वो तो तारीफ ही करें, 15 लाख की तारीफ ही तारीफ हुई मंचन थे धका धक, वो तो तारीफ करें जन काय की तारीफ करने लगे। आपने भी तो प्रचार करा था 15 लाख का। नहीं हमने तो प्रचार ना करो भाई, हम तो वोटर है, हमको प्रचारक है, किसान प्रचार करे कहीं मंच देखे किसान के, कहीं प्रचार के ही राजनीतिक पार्टी के संग तुमने। नहीं आप भी कह रहे धारा 370 हटेगी, हम भी वहाँ पर फ्लैट लेंगे, प्लॉट लेंगे, कहाँ लेंगे मेले लगेंगे, तो जब देश को हिस्सा तो कहीं बसो देश में जाके यार, वर्ल्ड में तो आदमी कहीं से कहीं बस रहो पूरी धरती पे। तो अब ये भी बात मान लो ना, किसकी मान ले, क्यों मान ले ये बात मान लो, क्या क्यों मान ले भाई, जब हर फील्ड में निजीकरण आ रहा, अगर एग्रीकल्चर में आ जाता है, कृषि में, तो क्या दिक्कत है, कुछ बढ़ोतरी होगी भैया। वह निजीकरण है, हम तो पूछ के लाओ हमारे 10-5 आदमी हमारे भी चुनो, या तो घेरो रद्दी की टोकरी में, और फिर हमारे 10-5 आदमी की राय लो, किसानन की 20-50 की एक टीम बनाओ, और जब इनते राय लेके जब कोई कागज नहीं हो बनाओ। अगर ताओ सरकार नहीं मानती तो क्या करो, मानेगी क्यों ना यार, यो मत को नहीं मानेगी सरकार, नहीं मानेगी यार ये बात तो कोई मत ना यहाँ, सरकार को मनाने को ही बैठे हम, ये समझ लियो हमारी बात है। अगर बाई चांस नहीं माने, बाई चांस तो कुछ है ही ना हमारी डिक्शनरी में, मना के ही जाएंगे। 2 साल पहले भी तो नहीं मानी आपकी बात, किसकी मानी, साल पहले ढंग देना मनाया, आपका ढंग तो मना देंगे, जब हमने मनते ना चाहिए, आपका मनते चाहिए भाई। 10 किसान शहीद हो गए कहाँ, बॉर्डरों पे। अरे तो शहीद हम ही तो हों भैया, बॉर्डर पे भी हों, भीतर भी हों, जवान हम ही तो होंगे, ये थोड़ी होंगे बेचारे शहीद, ये तो कोरोना में भी अपनों चलो बच बचाए के आगे बालकर में ठीक है, हम तो यो ना।